जमाने की तिजारत को मोहब्बत में समझ बैठा, जमाने की तिजारत को मोहब्बत में समझ बैठा, तेरी चाहत को ही जानम इबादत में समझ बैठा। तुम्हारा और मेरा वास्ता बस नींद तक ही है, तू मेरा ख्वाब थी जिसको हकीकत में समझ बैठा। तू मेरा ख्वाब थी जिसको हकीकत में समझ बैठा। और बंदा सुनिए कि अगर दिल में बसा लेती मुझे बेघर नहीं होता, मेरे सीने में यूं दिल की जगह पत्थर नहीं होता। तेरी यादें तेरी बातें तेरा किस्सा अगर ना हो, मेरी जाने वफा फिर मैं कभी शायर नहीं होता। मेरी जाने वफा फिर मैं कभी शायर नहीं होता। आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास साहब कहते हैं कि शायरी के बारे में कि अगर इंसान अपने आंखों से रोए तो वो कायर कहलाता है, अगर जुबान से रोना शुरू कर दे तो वो शायर हो जाता है। तो मैं उसी से रिलेटेड चार पंक्ति आपको और सुनाता हूं, सुनिएगा। कि अकेलेपन को दुनिया से है कुछ ऐसे छुपा लेते, कोई जो हाल पूछे तो यूं ही बनिया बता देते। कई दरिया को आँखों में लिए हम भी हैं बैठे पर, उसे आँखों के बदले हम लबों से है बहा देते। चार पंक्ति पढ़ता हूँ। असल में मोहब्बत का जो इस टाइम मतलब है ना, वो बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि अगर आप देखें तो पहले की मूवी आती थी मोहब्बत पे तो देवदास, और इस टाइम मैंने एक मूवी देखी कबीर सिंह। जब मैंने देवदास पहली बार देखा ना, तो जब मैं देख रहा था तो मेरा जो तकिया था वो पूरा भींग गया था, और इस बार अगर कबीर सिंह मैंने फिर देखा तो इस बार मैं मूवी खत्म होने के बाद हंस रहा था, पता नहीं क्यों। गाने देख लो आप, पहले रेशमा जी गाती थी लंबी जुदाई, अब कहते हैं सैया जी से यार मैंने ब्रेकअप कर लिया, तो बिल्कुल चेंज हो गया है। लेकिन मोहब्बत चेंज नहीं होता, मोहब्बत असल में है क्या, मैं सुनाता हूँ चार पंक्तियों आपको, देखिएगा। कि सभी कुछ छोड़ एक दूजे को ही जीना मोहब्बत है, जो दुनिया में कदा है सागरो मीना मोहब्बत है। कि कुदरत का कोई भी कायदा जिस पर न चलता हो, किसन को ध्यान कर मीरा का विष पीना मोहब्बत है। किसन को ध्यान कर मीरा का विष पीना मोहब्बत है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो छंद मैं और सुना देता हूँ आप लोगों को, सुनिएगा। सौंदर्य वर्णन का छंद है एक, और सौंदर्य वर्णन मैंने किस तरह से किया है, सौंदर्य वर्णन की पराकाष्ठा एक तरह से आप देख सकते हो इसमें। धैर्य से जो देख लोगे चेहरे को उसके, तो उसके ही इर्द गिर्द पूरा संसार है। धैर्य से जो देख लोगे चेहरे को उसके, तो उसके ही इर्द गिर्द पूरा संसार है। आंख मृग नयन सी मुख पे भी राज चंद्र अधरों पे जैसे कोई लोहित अंगार है। आंख मृग नयन सी मुख पे भी राज चंद्र अधरों पे जैसे कोई लोहित अंगार है। उनके जो मुख से है निकली जो वाणी जैसे सारे वेद शास्त्रों का पूरा पूरा सार है। अच्छा, जब भी महबूबा के चेहरे का सौंदर्य वर्णन किया गया तो किसी न किसी वस्तु के साथ उनका कंपेयर किया गया, जैसे चांद हो गया या ताजमहल, इस तरह से। मैंने घटना के साथ इसका अपने महबूबा का चरित्र चित्रण किया, देखिए अगर आपको अच्छा लगे और प्रयोग अगर सही लगे तो। कि उनके जो मुख से है निकली जो वाणी जैसे सारे वेद शास्त्रों का पूरा पूरा सार है।
और रूप को अगर शब्दों में ढाला जाए तो यूं कहिए कान्हा के लिए ही कोई मीरा की पुकार है। रूप को अगर शब्दों में ढाला जाए तो यूं कहिए कान्हा के लिए ही कोई मीरा की पुकार है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और जहां जहां मुझे अच्छे से सुना जाता है मैं ये एक छंद जरूर सुनाता हूँ वहां पे आप सबके लिए। ये छंद चार पंक्ति और देखिएगा कि दुनिया के भीड़ में अकेले ही मैं निकला था प्यार चंद लोगों का हुनर से कमाया है। दुनिया के भीड़ में अकेले ही मैं निकला था प्यार चंद लोगों का हुनर से कमाया है। एक नया पहचान जमाने में सम्मान सब कुछ आपकी मोहब्बत से पाया है। धूल था जमीन का मैं बिखरा पड़ा था पर आपने उठा के आसमान में बिठाया है। और आपकी दुआओं ने ही शोहरत से नवाजा आपने ही दौलत को वैरागी बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब अंत में वक्त की पाबंदी है एक गीत के दो बंद सुना करके मैं अपना स्थान लेता हूँ। कि नफरत वाले दौर में पलकर बाधाओं की आग में जलकर धूप जिसे हर दिन मुरझाए फूलों की पंखुड़ी सा खिलकर फूलों की पंखुड़ी सा खिलकर खुशबू का इस दुनिया में व्यापार करे हम। खुशबू का इस दुनिया में व्यापार करे हम। आओ जीवन में एक बार तो प्यार करे हम। आओ जीवन में एक बार तो प्यार करे हम। आओ जीवन में एक बार तो प्यार करे हम। एक बार और सुनिए सुनिएगा कि तोड़ के सारी कसमें वादे और जहां की सब फरियादें चलो चले चलते हैं वहां पर जहां हो केवल मीठी यादें। जहां हो केवल मीठी यादें दुनिया से छुप छुप कर आंखें चार करे हम। आओ जीवन में एक बार तो प्यार करे हम। आओ जीवन में एक बहुत बहुत शुक्रिया।